Thank you very much. Okay. हमारे बिहार में सबसे पहले तो कस्टम्स एंड रिचुअल्स सबसे ज्यादा माना जाते हैं। वो है क्या नहीं है कुछ नहीं पता। कारण है हर एक के पीछे, लेकिन बताया नहीं जाता, वो गलत है। क्योंकि जो बुजुर्ग हैं आज, उनको भी पता नहीं बेचारों को कि क्या कारण है। रात दिन हम टीवी पे देखते हैं लड़कियों पे अत्याचार, इसके साथ रेप, इसके साथ वो, फिर भी कुछ हम बस देखते हैं, सुनते हैं, उसको भूल जाते हैं। हिम्मत करिए, यहाँ से जब उठ के जाए तो भूलिए मत कि मेरे में ताकत है। हमारे तो शास्त्रों में भी लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। सर, मेरा मानना है कि हमारे देश में जो भी लड़कियां हैं और महिलाएं हैं, वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा इमोशनल होती है, इसीलिए उन पर इमोशनल अत्याचार किया जाता है अक्सर। आपके पास इमोशन ज़्यादा हैं, वो आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। उस ताकत को दूसरे लोग, बड़े बुजुर्ग आपका उस ताकत को इस्तेमाल करते हैं। मगध महिला कॉलेज की छात्राओं का मैं मन से स्वागत करता हूं डीएससी शो में। आप लोगों को क्या लगता है? चलिए, जो बहन जी ने बताया, हम सब जानते हैं, सुनते हैं, ये पुरुषों का विश्व है, वर्ल्ड है, महिलाओं को आगे नहीं दियाने दिया जाता, ये क्यों और कब हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि हमारे परिवार में तो, परिवार की धुरी के रूप में तो मेरी माँ काम करती थी, पूरा परिवार उनके इर्द गिर्द ही घूमता था। यहाँ तक के बिजनेस की भी बात कभी करते थे हमारे पिता वगैरह, इवन मेरे दादाजी तो हमारी माँ से करते थे, बात करते थे। लक्ष्मी का रूप कहते हैं हम उसको, पर फिर भी ये विडंबना क्यों कि असुरक्षित महिला अपने आप को समझती है, कमजोर सेक्स उसको बताया जाता है, वीकर सेक्स अमंग्स द टू, ये क्यों है? आप में से किसी को लगता है कि ये कब से और क्यों शुरू हुआ? एक आपका भी व्यू पॉइंट मैं देखना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन, आई विल से दैट ये मेंटेलिटी शुरू से ही बना दी गई है। इंडिया के बारे में अगर हम कहें तो कस्टम्स शुरू से ही यहाँ पर ये कहता है कि आप कम हो, कम हैं। आई नो, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ कि फिजिकली आई एम लो देन मैन, बट मेंटेलिटी अगर बात किया जाए तो आई डोंट थिंक कि हम किसी भी चीज़ में कम हैं। कस्टम्स की वजह से हम लोग इतने नीचे दबा करके रखा गया है कि उसके वजह से मेंटेलिटी बन गई कि आप कम हो, कम हो, कम हो। रोज़ाना अगर एक बच्चे को ये कहा जाएगा कि आप कम हो, आप कम हो, आप पढ़ने में कमज़ोर हो, अगर वो कमज़ोर नहीं भी होगा तो वो शायद अपने आप को कहीं ना कहीं दबा लेगा कि नहीं, हम कम हैं। और अगर बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। एंड अगर कोई कम है, अगर उसको ये बोला जाए कि आप बहुत बेटर हो, कर सकते हो अच्छा, तो वो अगर कम भी है तो वो बहुत अच्छा करेगा। तो मेंटेलिटी हम कहीं कम नहीं है। थोड़ा सा हमें लिबर्टी मिली है तो हम इतना कुछ कर चुके हैं, आज हर फील्ड में कदम से कदम तो मिला के चल ही रहे हैं। और हम आई थिंक कि अगर थोड़ा और दिन ये लिबर्टी मिलेगा तो कई फील्ड में हम उनसे आगे हो सकते हैं। कैसे होगा? वैसे आपकी भावना को मैं कदर करता हूँ, आपने अच्छा बात किया, अच्छा एनालिसिस किया। लेकिन अभी भी भारत की पार्लियामेंट में केवल 11.5% महिलाएं हैं और बिहार की विधानसभा में 2%। सर, ये जो थिंकिंग है, ये माइंडसेट जो है, ये घर से स्टार्ट होता है सर। घर से ही पार्शियलिटी की जाती है। अगर लड़की हुई तो उसको बोझ समझ के कोने में ढकेल दिया जाता है, और अगर लड़का हुआ तो उसको लोग ATM कार्ड की तरह संजो के रखते हैं कि इसे दहेज लेना है, तो ये नहीं करना चाहिए। सीरियसली, डोंट डू दिस। सबसे पहले ये डोरी खत्म करना चाहिए सर। अगर ये खत्म हो जाएगा तो लोगों का माइंडसेट ठीक हो जाएगा कि लड़कियां बोझ नहीं हैं। तो लड़कों के घर वालों को ये चीज़ के लिए मना करना चाहिए कि हम नहीं लेंगे डोरी। वेरी गुड, दिस इज अ थिंग। इससे पहले कि हम तीसरे पे आए, डाउरी की बात पे मुझे ध्यान में आया।
कि डाउरी की प्रथा कब कैसे शुरू हुई, किसी को मालूम है? जी, डाउरी पहले दिया जाता था, मतलब लड़की के माँ बाप थे जो स्वेच्छा से देते थे, मतलब दान के रूप में देते थे, लेकिन आज लालच बन गया है डाउरी, मतलब आज डिमांड बन गया कि हमको इतना चाहिए, इतना पैसा दोगे तभी आपकी बेटी सुखी से रह सकती है। वेरी गुड। लेकिन पहले स्वेच्छा से दिया जाता था। पहले स्वेच्छा। निक्की ने सही कहा कि जब ये प्रथा दहेज देने की शुरू हुई, स्वेच्छा से माँ बाप देते थे, वो किस लिए देते थे? उस समय प्रथा थी कि पिता की संपत्ति में लड़की का भाग नहीं माना जाता था, इसलिए माता पिता सोचते थे कि शादी के समय में जो उसका हिस्सा है हमारी संपत्ति में, उसका हिस्सा बराबरी का उसको दे दिया जाए, जब उसकी शादी हो अपने दूसरे परिवार में जाए तो। एक प्रकार से उसका हिस्सा दिया जाता था, ना कि उसको डावरी का नाम तो बहुत बाद में पड़ा, इस वजह से शुरू हुआ। लेकिन आपने सही कहा कि अब बाद में वो एक डिमांड करने लगे, लोग ये करने लगे। माई क्वेश्चन इज दैट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, बट वी नो दैट बिहार इज वेल नोन फॉर वुमेन ओरिएंटेड क्राइम, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, सेफ्टी और एम्पावरमेंट? सेफ्टी और एम्पावरमेंट, ये दोनों कोई अलग विषय नहीं है। आप एम्पावरमेंट होंगे, एम्पावरमेंट करेगा सिस्टम तो ही आपको सेफ्टी भी मिलेगी। क्योंकि अब मैं कल एक जगह एक ऐसे ही कार्यक्रम कर रहा था, तो वहां पे एक महिला, यहां से 150-200 किलोमीटर बिहार की जया नाम की एक महिला है, उन्होंने अपना किस्सा बताया कि आज भी बिहार के गांव में जो दबंगई लोग हैं, मजबूती वाले, लाठी वाले, ताकतवर लोग, वो आज भी गरीब लोगों को दबा देते हैं, पुलिस उनका साथ नहीं देती, उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करती। जब पुलिस नहीं करेगी तो सिस्टम भी नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में इतने सालों के बाद उसकी सुरक्षा आप नहीं दे पाए तो एम्पावरमेंट कहां से देंगे। आपको अपने हाथ में ही कमान लेनी पड़ेगी। और आज आपके माध्यम से जरूर कहूंगा कि ऐसे प्रतिनिधियों को चुनिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं, जो इन बातों में बदलाव ला सके, चेंज ला सके, अच्छे लोग हों, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हों, जो आपको लगे कि ये आदमी ठीक है। चार आदमी खड़े हों उनमें से देखिए, चुन के देखिए, अपनी जाति के आधार पर मत वोट दीजिए। आज तो 18 साल की उम्र में वोटिंग का पावर है, अधिकार है आपको। और बिहार की तो 65% पब्लिक जो है वो 30 वर्ष से नीचे, 57.8% युवा बिहार का 25 वर्ष से नीचे, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये एक बड़ी बात ध्यान में रखिए। जी, रीजन वी कैन से दैट द माइंड सेट ऑफ द सोसाइटी एंड हियर सोसाइटी नॉट ओनली रेफर्स टू मेल्स ओनली, फीमेल्स ऑल्सो। सोसाइटी हमें बोलती है कि आप इतनी रात को बाहर नहीं जाओ, फुल स्लीव्स के ड्रेस पहनो, अगर ईव टीजिंग से बचनी है तो आपको खुद में चेंजेस लाने हैं। अगर हम रेप केस की बात करते हैं तो इसके लिए सिखाया जाता है गर्ल्स को नॉट टू बी रेप्ड, एंड वी डोंट टीच बॉयज डोंट रेप। सो दीज आर द डिफरेंसेस। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा कहा शिवानी आपने, बिल्कुल ठीक कहा। सर, एक और बात कहनी थी, यहाँ पे जो है कि सोसाइटी मेल्स हैं प्लस फीमेल्स भी हैं, हम क्या करते हैं कि हमें मोटिवेट किया भी जाता है तो भी हम मन में जो वो डर रखते हैं, वो डर को हटाना है तभी आगे बढ़ पाएंगे। अपना डर हटाइए, बिल्कुल अच्छी कहा शिवानी ने, बहुत अच्छा कहा। हमारे बिहार में सबसे पहले तो कस्टम्स एंड रिचुअल्स सबसे ज्यादा माना जाते, वो है क्या नहीं है कुछ नहीं पता। हम लोग गॉड को बोलते हैं कि उनकी पूजा करो, उनके लिए फास्टिंग करो, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डराया जाता है। ये करिए नहीं तो आपके साथ बुरा होगा। हाँ, हम गॉड को फ्रेंड नहीं मानते, हम रिचुअल्स को ये नहीं सोचते कि हम अपने सुविधा के लिए करते हैं। हाँ। मतलब पहले होता था। मिस सैंडलिया ने अच्छी बात की, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं, हमारी प्रथा ये है ऐसा करने की, क्यों है ऐसा?
शरीर हमारा पांच तत्वों से बना, ये पांच उंगलियां, हम कहते हैं सामने वाले को हम अपने पूर्ण क्रिएशन पांचों तत्वों को साथ में लेकर और अपने दिल पर, ये अंगूठे का हाथ यहां दिल पे रहता है, अपने मन से आपको प्रणाम करते हैं, ये उसका कारण। तो कारण है हर एक के पीछे, लेकिन बताया नहीं जाता, वो गलत है, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं आज उनको भी पता नहीं बेचारों को कि क्या कारण है। ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड महिलाएं और पुरुष एकदम इक्वल स्टेटस एंजॉय करते थे, इस देश में तो खास करके कम से कम। और यहां पे हमारे जैसे पतंजलि की कुछ चीजें हैं, कात्यायन का जो लेख हमने पढ़े उसमें सजेस्ट किया दैट वुमन वर एजुकेटेड इन द अर्ली वैदिक पीरियड एंड देवर मैच्योर होने के बाद ही उनकी शादी की जाती थी, ये ऋग्वेद में इसकी चर्चाएं मिलती हैं हमको। और एंड दे यूज टू हैव इवन सो मच सो दैट दे हैड इक्वल राइट टू सेलेक्ट देयर हस्बैंड, कोई वो उसको थोप नहीं दिया जाता था, गाय की तरह बांध के भेज नहीं दिया जाता था, किसी के साथ भी बांध दे। तो ये ऋग्वेद में चर्चा इसमें आई है हमारे। स्क्रिप्चर्स सच एज ऋग्वेदा एंड उपनिषद मेंशन सेवरल वुमेन सेजेस एंड सीयर्स, नोटेबली गार्गी मैत्रेयी, ये ऐसे सेजेस भी महिलाएं हुई हैं पहले। तो इसका मतलब धर्म में भी, धर्म गुरुओं में भी उनको पूरा स्थान बराबर का मिलता था। इन अप्रोक्सीमेटली 500 BC में ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ। और रिफॉर्म मूवमेंट में, जैनिज्म में उन्होंने औरतों को अपना रिलीजियस गुरुज में बनाना शुरू किया, और भी कईयों में हुआ होगा, मैं नहीं कहता कि नहीं, लेकिन इसमें शुरू हुआ। द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड अराउंड 6th century, ये मेरा रिसर्च में निकल के आया। हाँ, अब बताइए आप क्या कुछ कहना, वहां से कुछ कहना चाह रहे थे। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर माय नेम इज शिवानी, आई वांट टू से दैट कि हर समाज में अगर बदलाव लाना है तो पहले घर से शुरू करनी चाहिए। वेरी गुड, दिस इज व्हाट इट इज, क्योंकि माँ सबसे पहले, फर्स्ट टीचर मदर होती है। तो एक बच्चे को, अगर एक लड़की को सिखलाया जाती है कि ऐसे कल्चर में रहना है, कैसे समाज में जीना है, तो एक लड़के को क्यों नहीं सिखलाया जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा बाहर में बदलाव करना चाहिए। और अगर एक लड़की को सिखलाया जाता है तो उस परवरिश लड़के को भी उसी तरह का देना चाहिए, उसी तरह का क्वेश्चन उस पर भी करना चाहिए कि घर आप कब आते हो, कितने देर से आते हो, क्या किए, और ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन जब लड़की से पूछा जाता है तो वही क्वेश्चन लड़के से भी पूछना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर मेरा मानना है कि हमारे देश में जो भी लड़कियां हैं और महिलाएं हैं वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इसीलिए उन पर इमोशनल अत्याचार किया जाता है अक्सर। और अक्सर घर में भी कहा जाता है, शादी के लिए फोर्स किया जाता है। और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उन बोलते हैं कि अब मेरा इच्छा है कि उसका शादी देख लें, और वैसा लड़का लोग को नहीं कहा जाता है कि उसका शादी देख लें। इमोशनल अत्याचार, ये एक मैं आपको कहूं, आपके पास इमोशन ज्यादा हैं, वो आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं है। उस ताकत को दूसरे लोग, बड़े बुजुर्ग आपका उस ताकत को इस्तेमाल करते हैं। तो इमोशन जो है, इमोशन के बिना आदमी हो चाहे औरत हो, हार्ड मास का पुतला है। सर मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज में गर्ल्स एजुकेशन के प्रति लोगों की दोहरी मानसिकता है। जब लड़कियों को पढ़ाने की बात आती है तब वो कहते हैं कि लड़की है, पढ़कर क्या करेगी, ससुराल जाके घर ही तो संभालना है। लेकिन वही लोग जब अपने घर के लिए बहू ढूंढने जाते हैं तो उनका सबसे पहला लड़की से यही सवाल होता है कि कितनी पढ़ी लिखी हो, हमें एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। जो हमने मेहमान बुलाए हैं, एक नीलम सिंह जी आई हैं हमारे पास, जिन्होंने अपने, इनके यहाँ लड़की नहीं थी तो इन्होंने लड़की को अडॉप्ट किया है।
गोपाल सिंह जी आए हैं, जिनके दादा परदादा ने वहाँ गांव में बड़ी अच्छी एक प्रथा शुरू की लड़कियों के लिए, और राकेश रमन जी आए हैं। मैं आप तीनों का स्वागत करता हूँ, आइए। तो अब इन लोगों ने क्या किया, ये कोई प्रथा नई इन्होंने नहीं शुरू की। पहले तो आपसे पूछेंगे, आपने लड़की को अडॉप्ट किया, लड़के को क्यों नहीं अडॉप्ट किया? मैं लड़की को इसलिए रखी हूँ कि लड़की धराना की धरोहर है, और लड़की का प्रधानता है, और लड़की का जो मोल है वह कोई दे नहीं सकता है, ये कोई दे नहीं सकता, वो माँ देती है, वो माँ देती है। लड़की तो वो तो फेंका हुआ बच्चा था जो हम लाए, और अभी 3-3.5 साल की है, इतनी बड़ी है बच्चा। मेरे पास एक लड़की और है, हमें 4 बच्चे हैं, 3 लड़का 1 लड़की, उसका शादी हो गया, मीनाक्षी है नाम, लेकिन वो जो लड़की अभी है छोटी, वो हम रास्ते से लाए हैं, फेंका हुआ बच्चा लाए, उसका नाम अंशुराज है, और उसके नाम से हम 10 पेड़ लगाए हुए हैं धरहरा में। तो अब धरहरा में क्या प्रथा इन लोगों ने, सब गांव वालों ने मिलकर लगाई? 100-200 वर्ष पहले से ही ये परंपरा है कि लड़की जब जन्म लेती है तो हमारे गांव में जो नाना है, दादा है, जो भी हैं माँ बाप, सब ढोल पे भी बजा के उस बच्चे के नाम से 10 पेड़ लगाते हैं धरहरा में। धन्यवाद, धन्यवाद। तो जैसा नीलम जी ने बताया कि गांव में ये प्रथा है कि जब कोई लड़की जिसके घर में होती है, पूरा गांव के लोग नगाड़ा बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, और उस लड़की के नाम के 10 आम के पेड़ रखे जाते हैं, उसके उस वक्त बोए जाते हैं वहाँ पे, और उस पेड़ों से उसका, जब वो 5 साल का पेड़ होता है, 5-6 साल 7 साल का पेड़ होता है, तो फल देने लगता है। तब तक उन पेड़ों की जो आम की कमाई है उससे लड़की की शिक्षा होती है, और यहाँ तक इतना धन बचता है कि ताकि उसकी शादी ब्याह सब कुछ हो सके। क्यों ऐसा है ये देखिए। अब आप बताइए गोपाल सिंह जी, कैसे कैसे ये शुरू हुई और क्यों, किसने शुरू किया, और इसका अभी क्या रिजल्ट है आपके यहाँ? ये प्रथा जो है हमारे यहाँ 200 साल से ऊपर की प्रथा है। हाँ, हमारे परदादा जब, उस समय राजमार्ग नहीं था NH, और गंगा से नाव के द्वारा आम मालदा जिला बंगाल से लाके अपनी फर्स्ट लड़की, मतलब मेरी मेरा तीन पुश्त पहले का ये बात, तब से वहाँ से शुरू हुआ है, और ये एक घर का नहीं प्रथा हो के पूरे गांव का प्रथा हो चुका है। आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 बहन 1 भाई हैं, मेरे पिताजी 9 बहन 5 भाई हैं। अब ये जो इतने 200 सालों की प्रथा है, इसको आप पूरे बिहार में तो कम से कम इसको बढ़ाइए आप। जी सब जगह जाइए आप, जैसे आज 300 किलोमीटर दूर है यहाँ गांव इनका, आज इस कार्यक्रम के लिए सब आए हैं। ये गांव धरहरा भागलपुर जिला में पड़ता है। धरहरा गांव के भागलपुर के कितने महिला लड़कियां यहाँ हैं, आपने सुना है ये सब इनके यहाँ जो होता है, सुना है आपने? सर ये हमारे भागलपुर में भी होते हैं सर, हम लोग जब भी होते हैं तो हमारे नाम से गाछ लगा जाता है, और सर हमारे भलाई के लिए भी सर कहते हैं, ये मेरी बेटी के नाम से, मेरी बेटी जैसा आगे बढ़े। सर यहाँ पे 2 चीज़ हो जाते हैं, बेटियों के लिए प्यार, और सर हम अपने पर्यावरण को भी आप बराबर पर्यावरण को भी लाभ मिलता है, बचाव करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग घर बैठे हैं उनको भी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बताइए? लड़की को बोझ नहीं समझना चाहिए सबसे पहली बात, जितना उनका सहयोग होगा। अभी हम बहुत लोगों से सुना कि घर में दबाव रहता है शादी का, ये वो, सबसे बड़ी बात है कि हमारा समाज जब तक नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, और समाज सबसे नीक बात है कि हम ठीक है, मेरे माँ बाप या बोलेंगे रात में चले जाइए, हम ठीक हैं, लेकिन समाज जब तक ठीक नहीं होगा, बच्चा को अपना गार्जियन सुरक्षित रखने के लिए ये सब बोलते हैं, ऐसा नहीं कि उसको कमज़ोर समझने के लिए सब बात। तो इनके लिए एक ही बात कहूंगा आप सबके लिए, जैसे कि गांधी जी ने कहा कि जियो इस प्रकार से कि जैसे कल मुझे मर जाना है, लेकिन सीखो इस प्रकार से, लर्न इन दैट वे
दैट यू विल नेवर डाई। ये जो इन लोगों ने प्रथा किया है ये ना मरने वाली बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने। तो अब अगर आगे बढ़ें हम, ये जो चीज़ें शुरू मैंने कहा कि अर्ली वैदिक डेज से 600 सेंचुरी बीसी से ये प्रथा खराब हुई, क्योंकि हमारे देश पर कुछ बाहर की ताकतों ने भी राज किया। देश के लोग धीरे धीरे जो कमियाँ थी, प्रॉब्लम्स थी, वो आनी शुरू हुई। पावर्टी सबसे बड़ा कारण, इलिटरेसी दूसरा कारण। उसके लिए मैं नहीं कहता कि कोई पर्टिकुलर समाज या पर्टिकुलर जाति या पर्टिकुलर कोई वो जिम्मेवार है, लेकिन जो आज ये इतना डिफ्रेंसिएशन हो रहा है आदमी में औरत में, इनके मैं कारण बता रहा हूं। इस कारण से 6 मेजर कारण जिनकी वजह से ये हो रहा है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, लड़कों के लिए काम नहीं मिलता तो लड़कियों को कहां से देंगे, वो करेंगे तो और मुसीबत होगी, ऐसा एक मानसिकता बनी है। और हमारे एक सोशल कस्टम बिलीफ्स, जो आप सबने कहा, जो प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं, वो भी इनके लिए जवाबदार हैं। जो एटीट्यूड हम लोगों का है, आदमियों का जो एटीट्यूड है, वो ज्यादा इसमें काम करता है खराब। और औरतों में खुद में ही लैक ऑफ अवेयरनेस, आप में खुद में भी लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि माँ भी कहती है कि बेटा अपनी तो जिंदगी ऐसे ही है, तुम्हारे पिता के साथ बन के आई हूं, जैसा वो कहेंगे वैसा करूंगी। हमारी माँ ने भी ऐसा ही किया, दादी ने भी ऐसा ही किया, तो तुम भी ऐसा ही करो। और ये कभी कभी बड़े शहरों में तो देखने को मिलता है, मुझे नहीं पता छोटे शहरों में गांव में क्या है। अगर देखें तो बड़े शहरों में तो ये मुझे देखने को मिला, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन। जब बेटी दूसरे के घर में आती है तो सास का व्यवहार अलग होता है, जब वो बेटी अपनी से जब वो मायके में रहती है वहां जब उनसे बात करती है तो दूसरा व्यवहार होता है। तो जैसा किसी ने कहा और मैं भी मानता हूं, आप अपने घर में अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को पहले ठीक करिए, और कर सकते हैं आप, तो उसमें कोई कारण नहीं है कि ये चीज को हम रिवर्स ना करना शुरू कर दें। और जब रिवर्सल शुरू करेंगे तो जरूर ऐसी चीजें आएंगी, समय लगेगा लेकिन जरूर होगी। एक आज देखिए पंचायत में, जो गांव की पंचायत में, आज 24 राज्यों में से 8 राज्यों ने ये पास किया कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा, होने लगा है। धीरे धीरे ये होगा, उससे आगे बढ़ेगा। वो फिर पंचायत से ब्लॉक में आएंगे, ब्लॉक से विधानसभा में आएंगे, ऐसे आगे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। और जहां तक रहा कि आप कोई फिजिकली भी कमजोर मत समझिए, आपने बच्ची आपने कहा कि फिजिकली हम कमजोर हो सकते हैं लेकिन मेंटली और उसमें कमजोर नहीं है, फिजिकली भी आप कमजोर नहीं है। तो खैर कुछ गलत भी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि जून 2014 में वीवर 116वें नंबर पे थे 189 देशों में से, जहां पे सबसे कम महिलाएं उनकी पार्लियामेंट्स में हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि हमारे यहां महिलाओं को वोट करने का अधिकार जिस दिन हमको आजादी मिली तब से था। यूरोप में कई देश ऐसे हैं, स्विट्जरलैंड खासकर मैं मुझे याद है, जहां पे औरतों को वोट डालने की आजादी 1980 में मिली है। अब उससे पहले औरतों को आजादी नहीं थी वोट डालने तो, और इस देश ने तो महिलाओं को पहले पूजा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ जो किया गया है उसको हम मिलजुल करके ठीक कर सकते हैं, ये जरूर है। आज स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ महिलाएं आगे आ रही हैं, और भी कई चीजों में आप आगे आ रहे हैं। ऐसे कुछ मतलब जो कमजोरी वाली बात है, मुझे लगता है कि अब ऐसी बात नहीं है। जो दबंगई बिहार इत्यादि में जो हो रही है, गलत हो रहा है, यहां पे ज्यादा ऐसी चीजें हो रही हैं। पीछे हमने जब ये दिल्ली में रेप हुआ था, जो सबने बीबीसी ने एक कहानी किया
स्टोरी किया दैट दिल्ली इज अ रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. ऐसा उन्होंने एक आधा घंटे का कार्यक्रम करके पूरे विश्व में दिखाया. तो मैंने उसमें अपने लोगों से कहा कि भाई पता तो करो, जरा रिसर्च करो, थोड़ा पता करो. तो ये सामने निकल के आया कि हमारे यहां से 7 गुना ज्यादा रेप इंग्लैंड में होते हैं, 7 गुना ज्यादा, और अमेरिका में हमारे से 18 गुना ज्यादा होते हैं. मतलब मैं ये नहीं कहता कि रेप कोई अगर एक भी है तो भी गलत है, उसको कंडेम किया जाना चाहिए. और जो जया ने मुझे बताया, उसने कहानी ये बताई अपनी कि 3 सहेलियां थी, वो 12-12 साल की, तीनों की उम्र थी. वो दबंगियों का उनके ऊपर निगाह पड़ गया, तो उसमें से एक परिवार ने तो अपनी बेटी को दिल्ली भेज दिया. एक परिवार के पास साधन कुछ नहीं था, उन्होंने अपने लड़की को घर में रखना शुरू किया. 1997 की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है. और तीसरी वो कहती, मेरे को भी माँ ने और बाप ने कहा कि बाहर कम जाया करो. उस दूसरी जो उसकी सहेली थी, उसने केवल 80 रुपया कर्जा उन दबंगियों से उसके पिता ने लिया था. इन लोगों ने 2 साल के अंदर अंदर, यानी जब भी कर्जा कभी भी लिया होगा, लेकिन ये लड़की कह रही है मुझे कि 2 साल मेरे देखते देखते, जब मैं 14 वर्ष की हुई और वो लड़की 14 साल की हुई, उसको उसके पिता को उन्होंने 20,000 रुपये का बिल थमा दिया कि तुम्हारा 80 रुपया जब तुम लिए थे, आज ब्याज पर ब्याज लग के 20,000 रुपया हो गया, कहां से देगा गरीब आदमी. तो आखिर उनके ना के भाई और पिता को और उनको उनके खेत में काम करने को लगाया. उस लड़की को उठा के कंधे पर डाल के ले गए. और ये लड़की जया मुझे कह रही थी कि मेरे सामने सर उन्होंने उसके ऊपर रेप किया, इतनी बर्बरता कहती हमने देखी. तब मेरे मन में आया कि ऐसे जीने से तो मरना अच्छा. और जिस दिन महिला शक्ति ये तय कर लेगी कि जीने से मरना अच्छा, रोज रोज मरने से तो एक दिन मरना अच्छा, जिस दिन आप तय कर लोगे, ये कोई मनुष्य की आदमी की हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर आंख भी उठा के देख सके. Why poverty affects women's more? आदमी क्योंकि कमजोर है, वो औरत को कहता है कि आप जाके कमाई करिए, मजदूरी करिए, कुछ भी करिए. आपने ज्यादा करके देखा है, मैंने खासकर ये मनरेगा जो इन्होंने लगाया ना गांव में, उधर कम से कम, मुझे नहीं पता बिहार में क्या स्थिति है, कुछ लोगों ने बताया बिहार में भी ऐसी स्थिति है. मनरेगा का काम करने जाती है वो महिला, और वो आदमी घर में दारू पी के सो जाता है. तो ऐसी स्कीमें लगाना सरकारों के लिए भी गड़ा घातक है. रात दिन हम टीवी पे देखते हैं लड़कियों पे अत्याचार, इसके साथ रेप, इसके साथ वो, फिर भी कुछ हम बस देखते हैं, सुनते हैं, उसको भूल जाते हैं. ठीक है, रेप होता है, लोग सारे लोग कैंडल मार्च लेके निकल जाते हैं, सब कैंडल करते हैं, पूरा 24 घंटे एक टॉपिक पे आज हुआ, फिर लगता फिर वही कांड कल से दोहराते रहता है. ऐसा क्यों? आप क्या करेंगी इसके बारे में? मेरा आपसे पूछना ये है. मैं यही करूंगी, ये गलत है, ये नहीं हो, इसमें सभी बोलते हैं, बस मेरे एक के करने से क्या होगा, एक कितना करेगा. ठीक है, जिस दिन बस आपने डबल पकड़ लिया. पुराने समय में जब राजाओं का राज था, राजा के बाप का श्राद्ध था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपने राज के लोगों से कि भाई एक लोटा दूध अपने घर से, रात को ये बड़ा कढ़ा रखा हमने, इसमें आप डालिएगा. ये कहानी सुनी है आपने. तो हर एक ने सोचा कि यार इतना बड़ा कढ़ा है, उसमें हजारों दूध के लोटे गिरेंगे, अगर मैं अकेला पानी डाल दूंगा या डाल दूंगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा. तो सुबह वो कढ़ा कैसे भरा था? पानी से. जिस दिन हमारी मानसिकता ये बदल जाएगी कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकती, उस दिन आप अपने आसपास, समाज, सब चीज को बदल सकते हैं. अकेला ही आदमी सब कुछ कर सकता है, शुरू में कोई साथ नहीं देता है.
और जब आप हिम्मत करेंगे तो आसपास के लोग भी आ जाएंगे हिम्मत करने के लिए। जो आदमी हिम्मत करता है उसका साथ देने वाले सैकड़ों खड़े हो जाते हैं, कमजोर का साथ नहीं देता कोई भी। जो चेंज मेकर हैं, बहुत लोगों की कहानी है, हमको ऐसा चेंज मेकर नहीं मिला जो अकेला ना चला हो। अभी मैं आपको एक कहानी दिखाता हूं कैसे चेंज मेकर ने काम किया। बेंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर बसे मगाड़ी गांव में एक ऐसी कहानी छुपी है जो देश भर के लोगों को बाल मजदूरी से लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। इस छोटे से गांव में बना चिगुरु बाल विकास संस्थान न सिर्फ अनाथ बच्चों को आश्रय देता है बल्कि बाल मजदूरी और अशिक्षा के खिलाफ भी लड़ रहा है, और इस अभियान को रूप आकार देने का श्रेय जाता है सरोजमा के एस को। सिल्क इंडस्ट्री में बाल मजदूरी देख सरोजमा ने 1998 में एक चिगरू बाल विकास की स्थापना की, और इनकी मेहनत का ही नतीजा था कि इन्होंने 3000 बच्चों को सिल्क माफिया के चंगुल से आजाद कराया। सरोजमा ने न सिर्फ इन बच्चों को अपनी संस्था में पनाह दी बल्कि इनकी शिक्षा का भी जिम्मा उठाया। सिटी के लड़कियों के लिए बहुत सारा मौका मिलता है, मगर ग्रामीण प्रदेश के लड़कियों के लिए पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है। बहुत छोटी छोटी एज में ही उन्हें मैरिज कर डालते हैं, उन्हें स्कूल छुड़वाते हैं, उन्हें चाइल्ड लेबर में लगवाते हैं। इसलिए हम पहले स्टडी करके बाद में ये स्टडी के बारे में गवर्नमेंट के साथ हम बहुत एडवोकेसी किया। ये एडवोकेसी के रिजल्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट छोटे बच्चे काम करने को मना कर दिया। इसके लिए हम बहुत 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 काम किया। अपने इस काम में सरोजमा को न सिर्फ सरकारी संस्थाओं से मदद मिली बल्कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इनकी आर्थिक रूप से मदद की। आज चिगुरु बाल विकास में पढ़ने वाली लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, भविष्य फिर उज्जवल दिख रहा है और सपने उड़ान भरने को बेताब हैं। मैं यहाँ से आने से पहले एक घर में काम कर रही थी, जब मेरा मैं 18 ईयर्स में थी, वहाँ पे काम करने पर मुझे लगता था मैं भी पढ़ना चाहिए, मैं भी एक वर्ल्ड अच्छे पोजीशन में आना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा मैं भी इस घर से बाहर जाके अच्छा पढ़ूंगी। तब मैंने पुलिस उनका हेल्प लेके बेंगलुरु में एक अप्सरा हॉस्टल है उनके वहाँ पे जाके 7th पढ़ के अब यहाँ आके 8 साल हो चुका है। मैं जब यहाँ पे आई 8वीं क्लास में पढ़ रही थी, अब मैं फाइनल ईयर डिग्री पढ़ रही हूँ, मैं बीकॉम कर रही हूँ। सो मुझे एग्जाम लेने के लिए बैंकिंग एग्जाम्स सबको प्रिपेयर दे रहे हैं। संडे हमें जो अकाउंट्स से मुश्किल रहा तो अकाउंट्स को क्लास कर रहे हैं, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश सिखा के दे रहे हैं, और कंप्यूटर में कैसे वर्क करते हैं वो बोल के दे रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस 100% रिजल्ट की आस में स्कूल कॉलेजेस सालों साल मेहनत करते हैं, वो 100% रिजल्ट ये संस्था हर साल पा रही है। मैं एक गर्व से बताती हूँ कि हमारे यहाँ से कुल 10 बैच SSLC करके बच्चे गए हैं, लड़कियाँ 100% रिजल्ट है, मैं गर्व से कह रही हूँ। बेसहारा बच्चों को जिंदगी जीने का हौसला और उम्मीद देने के लिए सरोजमा को हमारा सलाम। और अगर आप भी सरोजमा की तरह ला रहे हैं समाज में कोई बदलाव तो हमें लिख भेजिए clubdsc@zmedia.slgroup.com पर। DSC क्लब, आप अपने मगध महिला कॉलेज का बनाइए, इसमें महिलाओं को मदद करना भी एक 11 कारण हमने लिए हैं, 11 चीज़ें, उसमें से एक वो भी है। और हिम्मत करिए, यहाँ से जब उठ के जाएं, और भूलिए मत कि मेरे में ताकत है। हमारे तो शास्त्रों में भी लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और ये बात जब महिलाएं इस देश की समझ लेंगी तो इस देश को तरक्की करने में कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं
या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।